है दोस्तों, आज एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा सरप्राइज जो है वो सरप्राइज ही रहे। आज हमारे एक फादर फिगर में है वो हमारे लिए, और बहुत मान सम्मान वहाँ से मिलता है मुझे, और मैं भी उनको बहुत मानता हूँ। आज उनका बर्थडे है और ये मुझे पता है, लेकिन उनको नहीं पता है कि मैं उनको विश करने और उनको कुछ सरप्राइज़ है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा वो क्या सरप्राइज़ है। मैं उनके लिए कुछ लेने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता है कि वो घर पे हैं कि नहीं है, उनको नहीं पता है कि मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। तो देखते हैं क्या होता है, और मैं रेडी हूँ बिल्कुल। आगे मुझे जो ख़रीदना है वो मैं दिखाऊंगा आगे आपको पहुँच के उस शॉप पे कि मैं क्या ख़रीद रहा हूँ उनके लिए। और हाँ, सीट बेल्ट मस्ट है, तो सीट बेल्ट मैंने लगा लिया है, और चलिए देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि मुझे थोड़ा देर के लिए एक जगह रुकना था और मुझे कुछ काम था। मैंने वो काम ख़त्म कर लिया है, वो काम मेरा पर्सनल था इसलिए मैं उसको इस ब्लॉग से नहीं जोड़ पा रहा हूँ, और मैंने वो काम ख़त्म कर लिया है। अब मैं सर को कॉल करने वाला हूँ और वो पूछने वाला हूँ कि सर यहाँ पे है या नहीं, अपने घर पे है या नहीं। तो चलिए कॉल लगाता हूँ उनको। ये ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेता हूँ मैं। हाँ, रिंग जा रहा है। हाँ हेलो सर, गुड इवनिंग सर, कैसे हैं सर? ओके, तो फाइनली हम निकल गए हैं सर के घर की तरफ, और मुझे रास्ते से एक चीज़ पिक करना है, तो वो चीज़ क्या है वो मैं आपको वहाँ पहुँचने के बाद ज़रूर दिखाऊंगा क्या पिक करना है मुझे। और सर के लिए वही चीज़ सरप्राइज है, उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि मैं आज ये करने वाला हूँ उनके साथ। रास्ता खाली है तो जल्दी पहुँच जाता है इंसान, और एक्साइटमेंट मेरा अभी थोड़ा बढ़ गया है। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं और दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या लेने वाला हूँ। सर का बर्थडे है और मैं ओके, इसका क्या रेट है ये? फाइनली मैंने अनाउंस कर दिया कि क्या है ये सरप्राइज, और डॉक्टर साहब के लिए ये केक मैंने ऑर्डर किया है अभी, और मुझे लिखवाना है उसके ऊपर नाम, और देखना चाहता हूँ क्या लिखना चाहते हैं। नहीं आता, यहाँ नीचे लिखते हैं। पे डॉक्टर एस के सिन्हा कर सकते हैं आप? ठीक है, जब तक वो लिखते हैं। तो अभी दो दिन पहले हम लोग चाणक्या में एक प्रोग्राम कर रहे थे, और उसमें उसी प्रोग्राम के थ्रू मुझे पता चला था कि सर का बर्थडे है, तो मैंने उनको कहा था कि मैं करूँगा इसको सेलिब्रेट, लेकिन आज काम की वजह से मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाया। लेकिन अभी मैंने फ़ोन किया तो सर बाहर कहीं निकल गए हैं, मुझे वेट करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक हम थोड़ा म्यूज़िकल अरेंजमेंट कर लेंगे ताकि उनके आने के बाद सरप्राइज़ हो, और उनको अभी तक नहीं पता है कि हम कुछ कर रहे हैं उनके लिए। तो उनका शॉर्ट फॉर्म करके डॉक्टर एस के सिन्हा। और उस पर भी लिख दीजिए, इस पर पूरा ही लिख दीजिए। हाँ, क्योंकि उनको ये नहीं लगे कि किसी का लिखा हुआ केक उठा के ले आए मेरे लिए, तो वो मौका ही नहीं। डॉक्टर शैलेश कुमार से फटाफट पैक कर दीजिए इसको। तो फाइनली मैंने केक ले लिया है, और सर का भी कॉल आया था, वो आ चुके हैं। थैंक यू सो मच भाई, नाइस टू मीट यू। ओके, तो फाइनली सर के पास आ गए हैं, देखना है कि सर को हमारा सरप्राइज कैसा लगता है। मैं सोच रहा हूँ बोलूंगा क्या उनको, गुस्सा नहीं करने लगे वो। हेलो
गेट खुला हुआ है कि उनको नहीं पता है। हैप्पी बर्थडे सर। ये सर है और ये मैं आपके लिए लाया था। ये है छोटू। अब तुम दरवाजा बंद कर दो, मेरे को सर के साथ बैठना है। तो सर एकदम रिलैक्स मोड में बैठे हुए थे और अमरूद खा रहे थे, सेब खा रहे थे, और सर को पता नहीं था कि मैं ये सब करके आ रहा हूँ। लीजिए ये भी है, आप भी खाइए। मैं खाता हूँ। ओके एक ले लेता हूँ। आपको पता था कि मैं ये सब करने वाला हूँ? नहीं, मेरे को पता नहीं था। ये पूरा सरप्राइज था। यस। कैसा लगा आपको सरप्राइज? वेरी गुड सरप्राइज, वेरी गुड। लेकिन मेरे को अच्छा तब लगेगा जब केक नीचे कटेगा, तो आपको थोड़ा मेहनत करना होगा, क्योंकि मैंने कहा था चार दिन पहले मैं गाना गाना चाहता हूँ आपके बर्थडे। अरे बात है, यहीं पकाइए। नहीं, क्योंकि वो म्यूजिक सिस्टम नीचे है, वो म्यूजिक सिस्टम नीचे है, मुझे उसके ऊपर गाना है। वाह, चलिए जाने दीजिए ममता को। अभी मैम कहाँ है? बुलाओ जी, कहाँ फोन करो। ओके, तो मैम आ गई हैं और मैम का बहुत देर से वेट कर रहे थे। मैम के हस्बैंड का आज बर्थडे और मैं केक लेकर के आया हूँ। सर को मैंने बताया नहीं था, मैंने आपको भी नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ, और ये मैं सरप्राइज देना चाहता था। तो मैं वेट कर रहा था कि आप आएंगे तब वो केक कटेगा। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा अजू जी से सुन के की इतना मेरे बच्चे की तरह है और आज केक लेकर आए हैं, और हम ही को थोड़ा लेट हो गया, बाहर में एक काम था दो चार। नहीं कोई बात नहीं, वेट कर रहे थे। ये तो बस ये तो सेलिब्रेशन का बस शुरुआत है। हाँ, अभी बहुत होना बाकी है। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। अब हम लोग केक काटेंगे और इनके अनुसार सेलिब्रेशन होगा। ओके, तो ये है छोटू और अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं केक कटिंग के लिए तैयारी करने, और मैम काफी थकी हुई हैं, तो उनको मेडिसिन भी कुछ लेने हैं, तो वो उनको खा करके दवा लेना है। तो उन्होंने कहा है कि मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है और मुझे आधे घंटे में ये केक कटिंग ख़त्म करना है, क्योंकि डॉक्टर हैं दोनों और काफ़ी थक जाते हैं, तो उसका भी ख्याल रखना है। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। और अब हम केक काटने वाले हैं, बस आने वाली हैं, तो मैम जैसे ही आ जाती है हम लोग केक कटिंग शुरू कर देंगे। तो मैम का हमें इंतजार है, और फाइनली मैम आ चुकी हैं, तो प्लीज आइए। और स्पेशल है आपका स्वागत मैम के लिए, सर के लिए। ये थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे बोले। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू वेरी मच। पहले मैम आप खिलाइए सर को, और छोटू इधर इधर बहुत बदमाशी कर रहा है, इधर ऊपर चॉकलेट बोल, सबसे शैतान बच्चा है ये सबसे शैतान बच्चा है, बहुत बदमाशी कर रहा है। ओके, तो आज फाइनली हमने सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया, और ये पूरी तरह से इनविजिबल था, मतलब किसी को कोई खबर नहीं थी। मैम भी ताज्जुब कर रही थी कि कैसे आ गए, और सर को तो मैंने पहले ही मना कर दिया था कि मैं नहीं आ रहा हूँ आज। लेकिन अब हमारा अगला पड़ाव है एनिवर्सरी या मैम का बर्थडे। yes. तो अब उसमें ये सरप्राइज मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। अच्छा,
एंड ममता बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड इन अ बिग वे। बिल्कुल सर।